औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। बिफ़ोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुँच सकें। आज का हमारा टॉपिक है जी सेगमेंटेड वॉर्म के बारे में, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, कोइलोमेट्स, फाइलम एनिलीडिया में आते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ हम चलते हैं तो स्टडी करते हैं जी। मोस्ट ऑफ दी वॉर्म्स विद विच वी आर फैमिलियर आर इंक्लूडेड इन दिस फाइलम, ठीक है जी। बहुत से वॉर्म्स जिनको हम जानते हैं वो इसी फाइलम के अंदर हैं। दे आर सेगमेंटेड एंड कॉमनली कॉल्ड द एनिलिड्स। ये सेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसलिए हम इनको नेम्स देते हैं एनिलिड्स का। अब ये जो हमारे पास एनिलिड का नाम है, ये एक लेटिन वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग है जी लिटल रिंग। द बॉडी इज़ दी मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बॉडी जो होती है इनकी वो सेगमेंटेड होती है। द बॉडी बिकम डिवाइडेड ट्रांसवर्सली इनटू अ नंबर ऑफ द सिमिलर पार्ट्स ऑफ द सेगमेंट्स। जो हमारे पास सेगमेंटेड वॉर्म्स की या एनिलिड्स की जो बॉडी होती है, ठीक है जी, वो हमारे पास डिवाइड होती है किसके अंदर, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जिनको हम नेम देते हैं सेगमेंट्स का। द डिवीजन मे बी इंडिकेटेड एक्सटर्नली। ये जो डिवीजन है ये जो है वो एक्सटर्नली इंडिकेट होती है बॉडी सरफेस के ऊपर। अब ये जो सेगमेंट्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं किससे, एक सेगमेंट जो है वो दूसरे सेगमेंट से सेपरेट होगा। किसके थ्रू सेपरेट होगा, सेप्टा के थ्रू सेपरेट होगा, ठीक है जी। एक्सटेंडेड अक्रॉस द कोइलम। However, the various system of the body such as the gut, blood vessels and the nerve cord are continuous throughout the length of the body penetrating each individual segment. जैसा कि हमारे पास इस बॉडी के कुछ हिस्से आ जाते हैं, जैसा कि गट आ गया, ब्लड वेसल्स आ गए या नर्व कॉर्ड आ गए, ये क्या है जी पूरी बॉडी में फैले होंगे और हर सेगमेंट के साथ अलग-अलग अटैच्ड होंगे। द एनिमल्स और द ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलोमेट्स। ये एनिमल्स अगर हम इनकी नेचर देखें तो ये क्या हैं जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलोमेट्स होते हैं, शो करते हैं हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री को। द एनिलिड्स इंक्लूड्स वॉर्म्स विच मे बी द मैराइन फ्रेश वाटर और फाउंड इन द डैम्स वाइल सम आर द पैरासाइट्स, ठीक है जी। हमारे पास एनिलिड्स की जो बात करें, एनिलिड्स वॉर्म की, तो वो मैराइन वाटर या फ्रेश वाटर या फिर डैम्स वाइल के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं। मैरीन वाटर के अंदर का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो होते हैं जी हमारे पास निवरीज। फ्रेश वाटर की अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टाइल एरिया, और अगर हम डैम सॉइल की एग्जांपल देखें तो हमारे पास अर्थवॉर्म आती है। ये पैरासिटिकली भी अटैच हो जाती हैं अपने होस्ट से। एग्जाम्पल देखें तो हाइरियोडो, जिसका कॉमन नेम हमारे पास आता है जी लीच का। नेक्स्ट है हमारे पास द एनालिट शो द स्पेशलाइजेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। द ऑर्गन्स आर वेल डिवेलप, ठीक है जी। जो हमारे पास एनालिड्स होती है, इनकी जो बॉडी है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है और इनके अंदर वेल डिवेलप्ड ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि हर काम करने के लिए अलग-अलग ऑर्गन मौजूद होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्री कनाल विच डिवाइडेड इन टू द डिस्टिंक्ट पार्ट ईच परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है जी। जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल के तौर पर होता है और वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। हर पार्ट जो है वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इट हैज़ द टू ओपनिंग्स, द माउथ एंड द इंटीरियर एंड एंड द एनस एट द पोस्टीरियर एंड। इसके दो ओपनिंग्स हैं, माउथ जो है वो हमारे पास एंटीरियर एंड पे मौजूद है और हमारे पास जो एनस है वो हमारे पास पोस्टीरियर एंड पे मौजूद है। द माउथ इज ओवरहंग बाय द लोब स्ट्रक्चर द प्रोस्ट्रोमियम, ठीक है जी। माउथ जो है वो ऐसे लटका हुआ होता है, ओवरहंग होता है। कैसे ओवरहंग होता है, एक लोब स्ट्रक्चर जो होता है वो उसको ओवरहंग करता है, जिसको हम नेम देते हैं जी प्रोस्टोमियम का। पैरासिटिक की बात करें, अगर पैरासिटिक स्पीशीज की, इन पैरासिटिक स्पीशीज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज पुअरली डिवेलपमेंट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पुअरली डिवेलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू इस फैमिली की अदर स्पीशीज के नस्बत। नेक्स्ट है हमारे पास एनिलिड्स हैव द ट्रू कोइलम। एनिलिड्स जो हैं हमारे पास, उनके पास ट्रू कोइलम होता है। द मेसोडर्म स्प्लिट इनटू द पैराइटल लेयर। जो मेसोडर्म है वो पैराइटल लेयर में स्प्लिट हो जाती है। विच लाइंस द बॉडी वॉल, जो कि बॉडी वॉल के साथ चलती है। और एंड द विसेरियल लेयर्स विच कवर द एलिमेंट्री कैनाल, और विसेरियल लेयर्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल को कवर करती है। द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द मेसोडर्म,
दो लेयर्स के दरमियान, मीजोडर्म के दरमियान में वो लेयर कौन सी होती है हमारे पास? वो कोइलम की लेयर होती है, और वो फील्ड होती है किससे? कोइलमिक फ्लूइड से। ठीक है जी, अब वो जो कोइलमिक फ्लूइड से लेयर कोइलम फील्ड है उसका हमारे पास काम क्या है? ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करती है किसको? स्पीशी को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सक्रीशंस टेक प्लेस बाय द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द नेफ्रिडिया। जो एक्सक्रीशंस हैं वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से होती है, कि उसको हम स्ट्रक्चर को क्या नेम देते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम नेफ्रिडिया का नेम देते हैं। ये क्या है जी? सीलिएटेड ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? बॉडी के हर सेगमेंट के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। अ वेल डिवेलप सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द एनिलिड्स। ठीक है जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, किसके अंदर? एनिलिड्स के अंदर। इट कंप्राइजेज ऑफ द सिंपल ब्रेन एंड द सोली डबल लॉन्गिट्यूजनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है जी, ये सिंपल ब्रेन से कंसिस्ट करता है, इसके अंदर सॉलिड और डबल लॉन्गिट्यूजनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। जो नर्व्स होती हैं हमारे पास वो अराइज होती हैं कहाँ से? नर्व कॉर्ड से अराइज होती हैं। एनिलिड्स आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स विच हैव द डिवेलप अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स। एनिलिड्स जो हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स का सबसे पहला ग्रुप है जो के सर्कुलेटरी सिस्टम को जो सर्कुलेटरी सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, और इसके अंदर सर्कुलेटरी फ्लूड होते हैं जो जो के वेसल्स के अंदर क्या है जी? फ्लो करता है। उस हम फ्लूड को क्या नेम देते हैं? उसको ब्लड वेसल्स का नेम देते हैं जिन वेसल्स के अंदर वो फ्लो करता है। ठीक है जी, और ये फ्लूड जो है ये किस लिए हेल्पफुल है? ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास गैसेस की और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एबसेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसके अंदर वो एबसेंट होता है। जो गैसेस की टेक प्लेस होती है इन और आउट वो किससे होती है? वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, स्किन के थ्रू होती है, किस में? ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर गैसेस मिक्स होते हैं और वहीं से ही निकलते हैं। अब स्किन जो है वो मोयस कैसे रहती है? वो म्यूकस और कोइलम फ्लूइड जो हैं ये स्किन को मोयस्ट रखते हैं। अब जो हमारे पास बॉडी वॉल्स हैं वो मसल्स कॉन्टेन करते हैं जो कि उसको लोकोमेशन में हेल्प करते हैं। ये जो मसल्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी सर्कुलर मसल्स, एंड नंबर सेकंड हमारे पास आ जाते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स की बात करें तो ये अरेंज्ड होते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉडी के साथ। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? ये अरेंज्ड होते हैं जी लेंथ ऑफ द बॉडी के साथ। द लोकोमेशन इज़ ब्रॉट अबाउट द इंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एंड द हाइड्रोस्केलेटन। इनका जो हाइड्रोस्केलेटन होता है और जो मसल्स होते हैं जब वो उनकी जो इंट्रैक्शन होती हैं उसकी वजह से ये लोकोमेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के ऑफ द सर्कुलर मसल्स प्रोड्यूस द प्रेशर इन द कोइलम फ्लूइड दैट फोर्सेस द बॉडी टू इलोंगेट। कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है हमारे पास मसल की, वो क्या करती है जी? प्रेशर प्रोड्यूस करती है किसके अंदर? कोइलम फ्लूइड के अंदर एक प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस करती है जो कि फोर्स करता है बॉडी को कि वो इलोंगेट हो, यानी कि आगे की तरफ ढकेली जाए। इसी तरह बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का, वो भी प्रोड्यूस करता है प्रेशर किसके अंदर? कोइलोमिक फ्लूइड के अंदर, जो क्या करता है? बॉडी को वाइडन करता है। ठीक है जी, द ऑर्गन ऑफ द लोकोमेशन इन द एडिलिड्स एनिलिड्स एंड द चिथनियस चैटिया और द सिटाई एम्बेडेड इन द सैक्स और द नॉट। पैरापोडिया प्रेजेंट इन द वॉल, चैथिया इज एबसेंट इन द लीच। द कॉमन मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल, मोस्ट एनिलिड्स अर्थवॉर्म्स आर द हर्माफ्रोडाइट। ठीक है जी, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शंस का कॉमन तरीका है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। इन सम एनिलिड्स द सेक्सेस आर सेपरेट। कुछ एनिलिड्स जैसा कि हमारे पास नेरिस की स्पीशीज आ जाती हैं, उनके अंदर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है या फिर फ्री स्विमिंग होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं जी? ट्रोकोफोर लार्वा का नाम देते हैं, और वो प्रोड्यूस होता है लाइफ साइकिल के दौरान। नेक्स्ट है हमारे पास बोरोइंग द कैविटी ऑफ द अर्थ वॉर्म्स परमिट्स द ग्रेटर पेनिट्रेशन एयर इन द सॉइल एंड इम्प्रूव्स द ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या कहते हैं जी? पेनिट्रेट कर देते हैं सॉइल में और सॉइल की जो ड्रेनेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। इट आल्सो एनेबल्स रूट टू ग्रो डाउनवर्ड। ये रूट्स को नीचे जाने में, मजीद नीचे गहरे होने में हेल्प करते हैं। मिक्सिंग और चर्निंग में हेल्प करते हैं किसकी? सॉइल की। विच इज़ अबाउट व्हेन द अर्थ विच कॉन्टेन द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स इज ब्रॉट अप टू, जिसकी वजह से जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं अर्थ के नीचे दबे हुए वो मजीद ऊपर आते हैं।
अर्थवॉर्म इज परहैप मोस्ट एक्टिव सेगमेंटेड वॉर्म इन द चर्निंग दी सॉइल। अर्थवॉर्म इज चर्निंग में जो है वो सबसे कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या नेम देते हैं जी, नेचुरल पलफ का नेम भी देते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास जो फाइलम एनिलेट्स है वो दो चीज़ों से कंप्राइज होते हैं, सॉरी तीन तीन चीज़ों से कंप्राइज होते हैं। नंबर फर्स्ट है जी क्लास पॉलीचाइटा, नंबर सेकंड है जी क्लास ओलिगोचाइटा, एंड नंबर थर्ड है जी क्लास हिरिडियाइनिया। ये इंशाल्लाह हम क्लासेस जो हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।